हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो है इसमें जो है सो आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्न मिलेंगे। ये जो है सो आपके पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो है सो 20 क्वेश्चन दिया गया, ये जो है सो आपके पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए जो है सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड लिए, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर किया कीजिए, जिससे उसको भी हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? भारत के ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ जो है सो फीमेल सीएम कभी नहीं बना है? तो ये जो है सो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो है सो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है सो कभी भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। तमिलनाडु में बनी है, इस बिहार में भी बनी है और राजस्थान में भी बनी है, लेकिन आपको जो है सो कॉमेंट में बताना है इन तीनों स्टेट का कौन कौन जो है सो महिला मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये जो है सो आपको कॉमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये जो है सो आपको बताना है। इसका जो है सो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है सो दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये जो है आपको याद रखना है, वल्कनीकरण। वल्कनीकरण कहा जाता है उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को, तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपदा प्रबंधन बिल किस सन में पारित हुआ था? आपदा प्रबंधन बिल किस सन में पारित हुआ था? तो ये जो है आपको याद रखना, सन 2005 में, 2005 में जो है सो आपदा प्रबंधन बिल जो है सो पारित हुआ था, तो ये जो है सबको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? गुप्त वंश जो है उसका जो है सो प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, गरुड़। गरुड़ जो है सो गुप्त वंश का जो है सो राजकीय चिन्ह है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई आरंभ करने के लिए उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? लोकसभा या राज्यसभा का जो है सो कार्यवाही स्टार्ट करने के लिए उसमें कम से कम कितनी सदस्य उपस्थित होना चाहिए, जिससे कि जो आगे की कार्रवाई शुरू किया जाता है? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा अगर रहेगा तो ये जो है सो कार्रवाई स्टार्ट किया जाता है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, जीवी मावलंकर। ये जो है सो लोकसभा का पहला अध्यक्ष थे, तो ये जो है सो आपको याद रखना है। इसका जो है सो कार्यकाल था 15 मई 1952 से लेकर के 27 फरवरी 1956 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक काम के लिए दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक काम के लिए दिया जाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो है सो साहित्यिक काम के लिए दिया जाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ये जो अर्जुन पुरस्कार है ये खिलाड़ियों के लिए है, ये खिलाड़ियों के प्रदर्शन के हिसाब से दिया जाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है। और अशोक चक्र जो है ये जो है सो हमारे जल थल वायु सेना को जैसे साहस पराक्रम के लिए दिया जाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है। और गीता चोपड़ा पुरस्कार ये जो है सो 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को जैसे साहस के लिए दिया जाता है, तो ये भी जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है सो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था, तो ये जो है सबको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है?
हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है, तो ये जो सो आपको याद रखना, अमेरिका से जो सो हमारे संविधान के मूल अधिकार जो सो प्रेरित है, तो ये जो सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस किस डेट को, किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये जो सो आपको याद रखना है, 8 सितंबर। 8 सितंबर को जो है सो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अब देखते हैं 27 जून। 27 जून को जो है सो मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस, तो ये भी जो है आपको याद रखना है। और 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोध दिवस, तो ये भी जो है आपको याद रखना है। अब देखते हैं 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को जो है सो मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये भी जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रूसी क्रांति के जनक कौन थे। रूसी क्रांति के जनक कौन थे, तो ये जो है आपको याद रखना है, वी आई लेनिन जो है सो रूसी क्रांति के जनक थे, तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था, तो ये जो है आपको याद रखना है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना, ये जो है सो भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन था, तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद संख्या 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो ये जो है आपको याद रखना है। ये जो अधिकार है ये व्यक्ति के पूर्ण शारीरिक मानसिक एवं नैतिक विकास को सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये जो है आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है, 1 जुलाई। 1 जुलाई को जो है सो वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स वन महोत्सव भारत में एक वार्षिक वृक्षरोपण समारोह है, तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ था। टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ था, तो ये जो है आपको याद रखना है, 1870 दशक में, इस दशक में जो है टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। और फ्रेंड्स टेलीफोन का जो आविष्कारक थे, जिन्होंने आविष्कार किया था, वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो ये भी जो है आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चिपको आंदोलन निम्न में से किसके संबंधित है। चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये जो है आपको बताना है कि पौधा संरक्षण से जो है सो चिपको आंदोलन संबंधित है, तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स चिपको आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिला में, तो ये जो है आपको याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है, तो ये जो है आपको याद रखना, विधायी कार्यकारी संबंध, ये जो है सो संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के सरकार के बीच जो है सो मुख्य अंतर है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो ये जो है सो आपको याद रखना, राष्ट्रपति जो है सो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स जब देश में अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति आपात लागू किया गया हो, तब अनुच्छेद संख्या 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है। लेकिन अनुच्छेद संख्या 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते, तो ये भी जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो ये जो है आपको याद रखना है, प्रवाल उत्पत्ति के द्वारा जो है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति
हुआ है, तो ये जो है आपको याद रखना, ध्यान में रखना फ्रेंड्स। यह एक प्रवाल द्वीप समूह है, इसमें जो है 36 द्वीप है, केवल 7 द्वीपों पर जनजीवन है, इसकी राजधानी जो है कवारत्ती है, तो ये भी जो है आपको याद रखना, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये जो है सो आपको याद रखना 1972 में जो है सो भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, तो ये जो है सो आपको याद रखना, ध्यान में रखना फ्रेंड्स। यह एक भारतीय संसदीय अधिनियम है जो पौधों तथा जंतुओं की प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है, तो ये जो है सो आपको याद रखना, ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे फ्रेंड्स। अपने ये जो वीडियो है ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए, जिससे उसको भी हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।